नमस्कार, मैं अंकुर अग्रवाल गोरखपुर खाटू नरेश से। मैं रोबोटेक का बहुत ही सम्मान करता हूँ। मैं अर्जुन राजगुरु फ्रॉम PES मोबाइल एक्सेसरीज हैदराबाद तेलंगाना। मैं अभिनव गोपालगंज बिहार से हूँ। रोबोटेक का काम हमने 2015 में स्टार्ट किया था, अभी तक का इसका जर्नी सुपर रहा है। अपनी रेंज वैरायटी काफ़ी बढ़ती गई, उनकी रेंज बढ़ती गई, हम भी दो पैसा उसमें कमाइए। आज मैं जो भी खड़ा हूँ इन्हीं की बदौलत और इनके पूरे सहयोग से ही यहाँ तक मैं हूँ। जब काम स्टार्ट किए थे मेरे पास मात्र 24-25 हज़ार रुपये का, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा पोजिशन है मेरा और हर कुछ, बच्चे लोग का सब कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी है इसी से है। ऐसा नहीं कि मेरा रोबोटिक छोड़ के कोई भी और काम, टोटल जो भी है सारा इसी से है, वो ही पैसे। सारी ब्रांडों का अनुभव किया है, उसमें मैंने ये चीज़ रिसर्च की कि जो चीज़ रोबोटिक प्रोडक्ट में जो क्वालिटी रियलिटी है वो अदर ब्रांडों में नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट और रेट के साथ साथ कंपनी के जो बिहेवियर है बहुत अच्छा होता है, तो फैमिली वाइज इसको लेके चला जाता है। जितने भी मेम्बर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबका रेट एकदम एक फैमिली वाली होती है। और स्टॉक भी हमारे पास बहुत रहता है, स्टॉक का कमी नहीं रहता। आज हमारे पास जो कस्टमर आता है वो स्टॉक की वजह से आता है, और अपना सेल भी देते हैं, 80-90 लाख रुपये का सेल भी कंपनी को देते हैं, ऐसा नहीं कि सेल नहीं देते हैं, तो अच्छा सेल है। जब मैं 2017 में रोबोटिक से जुड़ा था, जब रोबोटिक के पास खाली 20-25 प्रोडक्ट थे, अब रोबोटिक ब्रांड में नियर अबाउट 200 प्रोडक्ट की रेंज है। उसके साथ साथ इसका जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट की जो पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छा है। उसमें आपको तुरंत का तुरंत जो भी है रिप्लेसमेंट आपको दे दी जाती है। और रोबोटिक ब्रांड में जो इनकी पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। रोबोटिक कंपनी जो अपने कस्टमर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को जो मेंटेन करती है एक रोबोटिक फैमिली की तरह, वो रोबोटिक के कस्टमर बताती नहीं, वो रोबोटिक फैमिली बताती है। और इनके सर्विस रिप्लेसमेंट के कोई इश्यू नहीं है, पॉलिसी है कि कस्टमर को घुमा फिरा के कोई बात करना वो रोबोटिक की पॉलिसी में नहीं है। और आज है कि भाई मुझे लगता है कि इनका माल मैं जितना मन से प्रेम से बेचता हूँ, मैं अपने हिसाब से अच्छा इनका माल बेचता हूँ, और मैं आगे भी चाहता हूँ कि इनका माल अच्छे से अच्छा मैं बेचूँ। केबल्स एंड पावर बैंक्स और बैटरीज, जो क्वालिटी आपको कोई भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। इवन आप रोबोटेक के पावर बैंक केबल यूज करके देखें, जो रोबोटेक के पावर बैंक केबल है वो उतनी, आज कोई भी कस्टमर है ना लास्ट में तंग होकर रोबोटेक का पावर बैंक यूज करता है। क्या बोल, तो सादे पावर बैंक जो लोकल मार्केट में आते हैं उससे पावर बैंक क्वालिटी का हो तो भी चार्जर पावर बैंक नहीं चढ़ पाता है, मोबाइल चार्जिंग नहीं हो पाता है। तो हमने एकदम छोटा सा वे से बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने मंथली 10 लाख के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया था, और नियर अबो मैं नेक्स्ट 6 मंथ में 50-60-70 लाख मंथली क्रॉस कर चुका था, और अभी भी मैं एवरी मंथ नियरली 70-80 और 1 तक का कारोबार कर रोबोटिक का करता हूँ मंथली। तो बस सर, ये मैं ये बताना चाह रहा था रोबोटिक के बारे में कि क्वालिटी और पॉलिसी और प्रोडक्ट में रियलिटी, ये मैंने प्रेजेंट इंडिया में चल रही दूसरी ब्रांडों की तुलना में रोबोटिक में सबसे बेहतर है। थैंक यू।